addicted to him. I flex on my ex every time that she texts me. I'm looking like, hold up. Yeah. नमस्कार मित्रांनो, खूप जणांची रिक्वेस्ट होती, बहुत जणों का रिक्वेस्ट था कि एमलैब का मतलब एमलैब्स के ड्रिल्स कौन से करने पर एम इम्प्रूव होगा। तो इसके लिए मैंने मतलब आज वीडियो बना रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर के लिए और बहुत जनों को हेल्प होगी उसके लिए। तो मैं दो लैंग्वेज में बना रहा हूँ, पहले मराठी में, जिसको मराठी मतलब जो मेरे मराठी सब्सक्राइबर है उन वो लोग देख सकते हैं पहली, और थोड़े से टाइम के बाद में थोड़े मिनट बाद हिंदी में भी है, हिंदी में देख लो। अगर मराठी समझ जाए तो मराठी समझ लेना, हिंदी में समझ जाए तो हिंदी में समझ लेना। अभी अपने मराठी बांधवांसाठी मराठी मध्ये सांगतो, तुम्हाला जर एम परफेक्ट करायचा आहे, प्रिसाइज करायचा आहे, माझंच बघा, माझं उदाहरण की मीच माझाच एम आर्यन लेवलचा होता, पूर्ण आर्यन लेवलचा, माय बॅड, आर्यन लेवलचा होता। तर तो मी म्हणजे स्वतः, मी काय नॅचरली टॅलेंटेड नाही, मला कळल्यानंतर, मला कळलं की बाबा एम लॅब केल्यानंतर माझे म्हणजे एम प्रिसाइज होतो, अच्छा हो रहा है, मेरा एम चांगला होते माझे, तो मी प्रॅक्टिस सुरू करते। अभी मेरा स्टाईल काय प्रॅक्टिस का, माझी स्टाईल काय प्रॅक्टिसची, की मी पहिले ग्रेड शॉट अल्टिमेट हे सगळं ॲड करून ठेवा तुम्ही, ग्रेड शॉट अल्टिमेट तुम्हाला सांगतो, हळू टेन्शन घेऊ नका, आरामात व्हिडिओ बघा, ग्रेड शॉट अल्टिमेट सर्च करा, इकडे सर्च इकडे ग्रेड शॉट अल्टिमेट, ग्रेड शॉट प्रिसिजन, ग्रेड शॉट स्पीड, ग्रेड शॉटचे स्पीड प्रिसिजन आणि अल्टिमेट हे ॲड करून ठेवा। त्याच्यानंतर कुठे गेले, मल्टीशॉट अल्टिमेट ॲड करा, मल्टीशॉट ॲड झाले, अल्टिमेट ॲड झाले, मायक्रोशॉट प्रिसिजन ॲड करा, स्पायडर शॉट प्रिसिजन ॲड करा, सिक्स शॉट प्रिसिजन ॲड करा, लाईन ट्रेस अल्टिमेट ॲड करा, हेड शॉट प्रिसिजन ॲड करा। आता प्रत्येक गेम चालू करण्याच्या पूर्वी म्हणजे पहिलं तुम्हाला वॉर्मअप करायचं आहे, तर तुम्ही पहिलं काय करा, ग्रिड शॉट पहिल्यांदा एकदा पहिला वॉर्मअप करा, त्यानंतर तुम्हाला सांगतो ग्रिड शॉट पहिला करा, नंतर मल्टीशॉट करा, त्यानंतर सिक्स शॉट करा, सिक्स शॉट झाल्यानंतर एकदा झालं, नंतर हेड शॉट करा, हेड शॉट झाल्यानंतर स्पायडर शॉट करा, स्पायडर शॉट डायगोनली असतो, तो हात दुखेल थोडा, आणि सिक्स शॉटला पण हात दुखेल, खूप हात दुखतो, पहिला दुखेल, नंतर हाताला कसं जरा हे आलं तर वॉर्मअप झालं तर मग हे होईल। त्यानंतर लाईन ट्रेस लास्ट सेकंड लास्टला करा, आणि सगळ्यात लास्टला व्ही सी टी याने टेन्थचं करा, ॲड करून ठेवा सगळं। आणि हे तुमचे जे ग्रेड शॉट अल्टिमेट आहे ते कमीत कमी 6 वेळा झाले पाहिजे, म्हणजे कमीत कमी तुम्ही डेली 25 ते 30 अर्धा तास ग्राइंड केला पाहिजे एमला, जर तुम्हाला चांगलं एम पाहिजे। जर तुम्हाला ब्रॉन्झमध्ये स्टक असाल किंवा सी एस गोमध्ये तुम्ही सिल्वरमध्ये असाल, सिल्वर इलाईट असाल, सिल्वर इलाईट मास्टर असाल, आणि तुम्हाला जायचं आहे GN, GN1, GN2, GN3, AMG, तर मग तुम्ही डेली अर्धा तास तुम्ही किती ग्राइंड करता, एक तास ग्राइंड करता, एक तास खूप झालं डेलीचं, 1-1.5 तास बाबा, ही मोठी लोक खूप ग्राइंड करतात, 2-2, 2.5-2.5 तास ग्राइंड करतात हे, आपण 1 तास ग्राइंड केलं तर आपला एम, तुम्ही बघा, अनुभव घ्या, एक्सपिरियन्स भेटेल तुम्हाला काय। माझा तर एक्सपिरियन्स मी सांगितलाय, माझा खूप ग्राइंड झाला आहे, माझा एम होता ब्रॉन्झ लेवलचा, पण आता मी सध्या प्लॅट 2 रँकला आहे आणि सी एस गोमध्ये GN3 रँकला आहे आत्ता सध्या। तर होऊ शकतं मी अजून ग्राइंड केलं तर अजून वरती जाईल, बघू, ट्राय करू। जर तर ह्या ड्रिल आहेत या पूर्ण, तुम्हाला हळूहळू बघा व्हिडिओ, टेन्शन नका घेऊ, पॉज करून याचा एक पिक काढा, स्क्रीनशॉट घ्या, काय काय नाव आहेत ती ॲड करून ठेवा फेवरेटमध्ये, आणि ट्राय हार्ड करा, ग्राइंडिंग करा, ग्राइंडिंग कराल, प्रॅक्टिस कराल, गेम आपलाच आहे, काच करणं गेम प्ले होऊन जाईल मजबूतमध्ये। आणि कधीकधी एक सांगायचं राहिलं की कधीकधी तुम्ही व्हॅलोरंटचं काय बोलतात त्याला, सेन्सी इथे ॲड करता, व्हॅलोरंटची सेन्सी इथे ॲड करता, कधीकधी मॅच होत नाही तर ते तुम्हाला मॅच करावं लागेल, थोडंसं पुढे मागे करून ग्राइंड करावं लागेल तुम्हाला। काय काय पोरांची, मला काय काय सबस्क्रायबर आले बोलले की मग आमची सी एस गोची सेन्सी आणि ती सी एस गोची सेन्सी एम लॅबला टाकली तर मॅच नाही होते, कमी जास्त होते, तर ते तुम्ही करा की बाबा कमी जास्त काय आहे ते, सी एस गोची नका टाकू, असं करा, तर तुम्ही ते बघा आणि करा, त्याचं काय टेन्शन नाही एवढं, फक्त ग्राइंड करा, होईल, ग्राइंड केल्याशिवाय काय नाही। तो अभी यहाँ पे ये जो ड्रिल है, जो आप सर्च करो, सर्च में जाके कि ग्रिड शॉट करके, ग्रिड शॉट, तो ग्रिड शॉट में ये आ जाएगा, तो ग्रिड शॉट में ये तीनों
फेवरेट्स में ऐड करना ग्रिड शॉट अल्टीमेट, ग्रिड शॉट प्रिसीजन, ग्रिड शॉट स्पीड। ओके, पहले बता रहा हूँ क्या क्या ऐड करके रखना है ड्रिल्स, उसके बाद में कैसे यूज करना है वो बताता हूँ। वो कर लिया ग्रिड शॉट कर लिया, उसके बाद में मल्टी शॉट अल्टीमेट, मल्टी शॉट करना है, वेट, मल्टी शॉट अल्टीमेट ही यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, ये वाला एक इसमें का फेवरेट में ऐड करके रखो। उसके बाद में माइक्रो शॉट ऐड करके रखो, माइक्रो शॉट, उसके बाद में लाइन ट्रेस, मैं बता रहा हूँ वो पहले फेवरेट में ऐड करके रखो। माइक्रो शॉट हो गया, ग्रिड शॉट अल्टीमेट, उसके बाद माइक्रो शॉट प्रिसीजन, उसके बाद मल्टी शॉट अल्टीमेट, उसके बाद सिक शॉट अल्टीमेट, उसके बाद लाइन ट्रेस अल्टीमेट, माय बैड, उसके बाद में हेड शॉट प्रिसीजन, और सबसे लास्ट ये वाला वी सी एन ए टेंस का। रुको मैं एक काम करता ये कर, वी सी ए VCTNA ट्रेंड्स आएगा क्या सर्च करने पर? ओके, ये नहीं आ रहा है, तो VC यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ऊपर भी नहीं ले सकता मैं, यहाँ पे VCA ट्रेंड्स ये ऐड करके रखना। ओके ठीक है, तो आपको अभी मतलब आप स्टक हो, आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा है, एम नहीं लग रहा है, तो पहला तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग है, मतलब आप कॉम्प भी खेलने जा रहे हो, वैलोरेंट हो या CSGO हो, तो पहले एक काम करो, गेम खेलने के पहले, गेम में भी वार्म अप करने से पहले ये वार्म अप करो जो मैं डेली करता हूँ। पहले तो ग्रिड शॉट खेलो, एडिट करो उस पर, एडिट लोड आउट करो। एडिट लोड आउट में ये पिस्तौल से आपको जमेगा नहीं, क्योंकि ये पिस्तौल थोड़ा हेवी फील होता है, तो उसमें जाके इसमें 9mm में जाके सीधा ये वाला 100 थीव्स का सिलेक्ट करो और प्ले टास्क करो। प्ले टास्क करने के बाद में ये कर लेना जितना हो सके, एक बार करना ये होने के बाद में बताता, ये ग्रिड शॉट मतलब ये सिर्फ आपको टिक करना है, ये वाला समझ गए, ये होने के बाद में ये कर लिया आपने एक मिनट का, उसके बाद में आपको करना है मल्टी शॉट अल्टीमेट। सेम मल्टी शॉट अल्टीमेट में प्ले नाउ मत करो, नहीं तो ये गन से खेलना पड़ेगा। एडिट लोड आउट करो, एडिट लोड आउट में सेम 9mm में जाके ये वाला 100 थीव्स ब्लास्टर का गन ले लो, प्ले नाउ और क्लिक टू कंटिन्यू, और ये करना, पहला हो गया ग्रिड शॉट अल्टीमेट, उसके बाद में मल्टी शॉट अल्टीमेट। अरे यार ये चालू हो गया, हाँ ठीक है, ये होने के बाद में आप फिर से ग्रिड शॉट अल्टीमेट फिर से करना, मतलब हाथ गर्म हो जाएंगे आपके। फिर उसके बाद में स्पाइडर शॉट प्रिसीजन ऐड करना, मैं भूल गया, स्पाइडर शॉट प्रिसीजन भी ऐड करना। स्पाइडर शॉट प्रिसीजन एक मिनट का करना, वो करने के बाद ही स्पाइडर शॉट प्रिसीजन करने के बाद ही हेड शॉट का ट्राई करना, क्योंकि स्पाइडर का कैसे ऐसे डायगोनली होता है, तो हेड शॉट के लिए थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, हाथ गर्म होगा तो हेड शॉट करना। हेड शॉट के बाद में ये करना लाइन ट्रेस, हेड शॉट के बाद में ही लाइन ट्रेस करना, ये वाला हेड शॉट क्या है बताना पड़ेगा आपको। हेड शॉट में एक काम करो, ये 100 थीव्स मत यूज़ करो, ये जेट नाइज यूज़ करो। जेट नाइज से इजीली आपको स्कोर बढ़ जाएगा, मतलब आपके हैंड्स फ्री होंगे फटाफट, नहीं तो गन रहेगा तो वो ऐसा ये लगता है, जड़ लगता है। चलो ये हो गया, इसके बाद में हेड शॉट का हो गया, इसके बाद में लाइन ट्रेस करना है। सेम लाइन ट्रेस में भी आपको ये वाले गन यूज करना है, प्ले टास्क में 100 थीव्स का ही गन यूज करना है। इसमें बहुत हाथ दुखेंगे आपके, लेकिन आपके हाथ को मतलब एक ये आ जाएगा, ये ऐसे ही करना है, ये इसके बाहर गया तो आपका स्कोर कम हो जाएगा। ये हरा है ना, इसमें ही करना है आपको, समझ गया, इसमें हाथ दुखेंगे लेकिन पहले दुखेंगे, बाद में हो जाएगा, लेकिन इससे कंट्रोल आ जाएगा आपके हाथ में, जो एम का कंट्रोल रहता है ना वो कंट्रोल आ जाएगा हाथ में, तो समझ गए। पहले क्या करना है अपने को, ग्रिड शॉट अल्टीमेट करना है, उसके बाद में मल्टी शॉट एक बार, उसके बाद में फिर से ग्रिड शॉट अल्टीमेट एक बार, और उसके बाद में सिक्स शॉट करना है, सिक्स शॉट को भी
यही यूज करना है सिक्स शॉट को, किधर गया, जेट नाइज यूज करना है। सिक्स शॉट से भी हाथ दुखेंगे थोड़े, मतलब हाथ गर्म होंगे, सिक्स शॉट थोड़ा सा हार्ड है, हाथ गर्म होंगे आपके। तो ये हो गया सिक्स शॉट, जो आपको प्रेफर करे। मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ कि जेट नाइव यूज करो, नहीं तो 100 नाइव्स का कुछ गन है वो करो। तो ये हो गया, मतलब ग्रिड शॉट अपने को 4 बार करना है, उसके बाद में मल्टी शॉट 2 बार करना है, फिर सिक्स शॉट 1 बार करो, लाइन ट्रेस 1 बार करो, हेड शॉट 1 बार करो, चलेगा स्पाइडर शॉट 1 बार करो। ये सब होने के बाद में VCA 10s का ये जो है, इधर गया मैं, VCA 10s का ये करो, तो आपका एम, मतलब आप जब आप ब्रॉन्ज में स्ट्रक होगे, मैं वैलोरेंट की बात कर रहा हूँ, ब्रॉन्ज में स्ट्रक होगे तो आप डेली करेंगे तो ये 15 दिन में आपको गोल्ड तक आराम से लेके आएगा, गोल्ड तक, इतना एम बेटर कर देगा आपका ये, मतलब एम लैब। तो आपके ऊपर है आप कितना ग्राइंड करते हो एम लैब। मैं तो हर गेम के पहले, मतलब स्ट्रीम चालू करने से पहले ये मेरा 45 मिनट्स तो मैं करता ही हूँ ये वाला, ये आपको करना ही होगा। ये ड्रिल हो गए, ये सब, ये कितना ड्रिल बताया मैंने, 5-6 ड्रिल तो हो गए। यही आपको मतलब 4-4, 3-3, 4-4 बार डेली करोगे, आपका एम एकदम एकदम कड़क हो जाएगा, एकदम कड़क, एकदम कड़क। तर आजची व्हिडिओ आवडली असेल तुम्हाला, होप आवडली असेल, तर कमेंट करून सांगा कशी वाटली, आणि काय अडचण असली, काय राहिलं असेल तर मला कमेंट करून सांगा, आणि लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आणि अजून काही हवं असेल, कसली माहिती, कसली काय अजून हवं असेल तर मला सांगा, मी ट्राय करतो तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा। थँक्यू व्हेरी मच, गुड बाय, सी यू।